मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबका यह साल बहुत अच्छा हो, और कुछ कहना चाहता हूँ तुम सबसे। कुछ विचार जो मेरे मन में उठे थे वो कहना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ मैंने पहली बार महसूस किया कि मुझे खुद से ये सवाल कहना पड़े कि अब मैं क्या करूँ। कभी ना कभी हम ऐसी स्थिति में तो आते ही हैं जब हमें पता ही नहीं होता कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि अक्सर हमारे पास एक जवाब तो होता ही है, और जब नहीं होता तब क्या करते हो? क्या करते हो जब शांत होने का मन करता है? क्या करते हो जब किसी शांत जगह पर होने के बाद भी तुम्हें शोर सुनाई दे? क्या करते हो जब शोर से दूर जाने का मन करे लेकिन वो शोर तुम्हारे ही अंदर से आ रहा हो? कैसा लगता है जब शांत होने का मन करे और तुम्हारे दिमाग में वो चीखते एहसास तुम्हें होने ना दे शांत? कैसा लगता है जब बहुत कुछ कहना चाहो पर शब्द ना हो? कैसा लगता है जब उम्मीदें हों जो पूरी ना हो सकें? शिकायत भी नहीं कर सकते तब तो, लेकिन ज्यादा बुरा क्या है? क्या ये ज्यादा बुरा है जब तुम कुछ कहना चाहते हो पर शब्द ना हो, या तुम्हारे पास शब्द हों पर जिसको वो कहना चाहते हो उसकी नज़रों में अब तुम्हारी बातों का मोल ना हो? या ये ज़्यादा बुरा है कि तुम्हें शिकायतें हों पर जिससे शिकायतें हों अब उसको तुम्हारी शिकायतों से फ़र्क भी नहीं पड़ता? कैसा लगता है तब? क्या करते हो जब शिकायतें हों और सुनने वाला नहीं? क्या करते हो जब शब्द होते हुए भी तुम उन्हें कह नहीं सकते? कैसा लगता है? मुझे लगता है कि हम ऐसे लोगों से मिल चुके हैं जिन्हें उन बातों का मोल हो। मुझे लगता है कि जो तुम्हारी शिकायतें सुनता था किसी ऐसे इंसान से तुम भी मिले थे, पर क्या तुमने भी गलत फैसला लिया था उस इंसान से अलग होने का? क्या तुमने भी वही गलती की जो शायद मैंने की? क्या करते हो तब जब समय हाथ से जा चुका होता है और अब ना वो इंसान ना वो वक्त वापस आएगा जिससे शायद तुम शिकायतें कर सकते थे, और अब तुम्हें एहसास होता है कि अब शिकायतें सुनने वाला कोई भी नहीं? कैसा लगता है तब? लेकिन अगर तुमने अभी तक ये गलती नहीं की है और तुम्हारे पास वो इंसान है तो बहुत खुशकिस्मत हो तुम। ये दोहराना मत जो गलती हम में से काफी सारे लोग शायद कर चुके हैं। मत छोड़ना साथ उसका। ध्यान रखना। अच्छा सुनो, सर्दियां चल रही हैं तो शरीर को ज़रूरत होती है पानी की, पर प्यास नहीं लगती तो पानी पी लेना। अच्छा अब मैं चलता हूँ, बस इतनी सी बात थी।